हेलो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स एनआईएस में एडमिशन करवा रहे हैं जहाँ कर चुके हैं, आज हम उस पर बात करेंगे कि एनआईएस में जो एडमिशन होती है ऑनलाइन, चाहे जो स्टूडेंट्स सेल्फ ऑनलाइन एडमिशन करते हैं या फिर किसी कैफे में जाकर करवाते हैं या किसी स्टडी सेंटर के थ्रू करते हैं, ठीक है ना, कहीं से भी करवाते हैं, कि उनकी एडमिशन कन्फर्म हो नहीं पाती, उसमें क्या क्या कमियाँ रह जाती हैं। हमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करके ये पता करते हैं कि सर हमारी एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, हमें एक मंथ हो गया है, दो मंथ हो गए हैं, जहां वहां पे कोई ना कोई नोटिफिकेशन में एरर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में ये डिटेल से बात करेंगे कि एडमिशन कंफर्म क्यों नहीं हो पाती, किसकी गलती है। तो स्टूडेंट इसमें सफर करते रहते हैं कि उनकी एडमिशन जो है कन्फर्म नहीं हो पाती, तो उनका एक साल भी खराब हो सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स ध्यान दें, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आप एंड तक वीडियो में बने रहें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है जल्दी से जल्दी पहुंचती जाए, और आप इस चैनल में नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो भी वीडियो ऑनलाइन होती है तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। यदि एंड में आपको वीडियो अच्छी लगी, जब बेनिफिशियल हो, तो इसको लाइक जरूर करें। और जो स्टूडेंट्स इस एनओएस बोर्ड में 10th या 12th करने जा रहे हैं, उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो ये गलतियां मत करें कि उनकी एडमिशन कंफर्म ना हो, ठीक है। हम एक स्टूडेंट है हमारा, उसका लॉगिन करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता ही है कि कौन सी वेबसाइट पे जाना है, डिस्प्ले हो रही है वेबसाइट sdmis.nis.ac.in, वेबसाइट जो स्टूडेंट पोर्टल है एनओएस का, वहां पे आपने जाना है और स्टूडेंट में जाके आपने लॉगिन करना है। स्टूडेंट में आप जाके लॉगिन करोगे, जहां पे हमने लॉगिन टू योर अकाउंट में पहले से ईमेल आईडी और पासवर्ड सेव करके रखा हुआ है स्टूडेंट्स का, आपने जहां पे अपना जो भी आपका यूजर नेम या ईमेल आईडी है और पासवर्ड फिल कर देना, और नीचे जहां पे लॉगिन बटन है वहां पे जाके क्लिक कर देना, ठीक है। और सेकेंड, आप लॉगिन कर सकते हो वाया रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर के साथ भी, ठीक है। यदि आपके पास रेफरेंस नंबर है, ठीक है, जब आप एडमिशन करते हो तो रेफरेंस नंबर वहां पे जनरेट हो जाता है और आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है, उससे भी आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप लॉगिन पे जाके क्लिक करोगे, हमने इसको लॉगिन पे क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे हो जो नया इंटरफेस खुला है एनओएस बोर्ड के स्टूडेंट पोर्टल का, वहां पे जे स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। हमने ये देखो तीन टैग अलग अलग, जहां पे फर्स्ट है एडमिशंस, नोटिफिकेशन और ई सर्विसेज, ठीक है। ई सर्विसेज तो तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपके स्पेलिंग मिस्टेक है, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन है, चाहे आप, ठीक है ना, कोई ना कोई करेक्शन करवानी है, तो ई सर्विसेज की हम हेल्प कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, नोटिफिकेशन की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये नीचे एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई रहा है, ठीक है ना, एडमिशन वेरीफाइड, ठीक है। तो जब हम एडमिशन करते हैं तो जहां पे एप्लीकेशन स्टेटस क्या दिखाता है, डॉक्यूमेंट अंडर वेरिफिकेशन, जब वेरीफाइड, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन के लिए क्यों है तो दिखाता है। अब जे स्टूडेंट ने एडमिशन कब की थी, पहले ये चेक करते हैं, ठीक है ना। आपने रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करना है, तो रिव्यू फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो नाम वगैरह इसका जो भी फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है ना। हम नीचे को स्क्रोल किया है इसको, तो स्क्रॉल करने के बाद कहाँ पे पता चलेगा, ये इसको हम थोड़ा राइट साइड को करते हैं, देख ले कि ये 15/8/2023 को एडमिशन इसकी हुई थी, ठीक है, जिनकी 15 अगस्त को एडमिशन हुई थी जब लास्ट डेट चल रही थी, ठीक है। तो आप सोच लो कि इस एडमिशन को कितना टाइम हो गया ऑनलाइन को, ठीक है। ये स्ट्रीम वन ब्लॉक वन के लिए है, मीन्स अप्रैल 2024 एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन हुई है, यानी कि आज जो तारीख है आप सभी को पता है, ठीक है, कि अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया है, ठीक है, इसको तकरीबन 1.5 मंथ हो गया एडमिशन को, ठीक है। तो अभी जो एडमिशन में जो दिखा रहा है स्टेटस, आपने अभी चेक किया, हम दोबारा एक बार देखते हैं डैशबोर्ड पे जाके, तो यहाँ पे एडमिशन वेरीफाइड दिखा रहा है, मींस इसकी एडमिशन वेरीफाइड हो गई है, ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो प्रोसेस होता है उससे निकल चुके हैं, ठीक है। इसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है एडमिशन को कि ये कंफर्म ना हो पाए, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में कौन सा मैसेज आया हुआ है, ठीक है। नोटिफिकेशन जब आपकी एडमिशन वेरिफिकेशन के अंडर होती है तो यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस में बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, जहां पे भी आता है स्टेटस कि आपका आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो
उनको एड्रेस प्रूफ चाहिए, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लिखा होता है, ठीक है, तो नोटिफिकेशन में आपका जो एरर है वो शो होगा, ठीक है। जहां पे हमने क्लिक किया नोटिफिकेशन के अंडर, ठीक है, व्यू ऑल कर देते हैं तो आप पढ़ लेना, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है NOS योर एडमिशन इज वेरीफाइड सून इट विल बी कन्फर्म, ठीक है। तो नंबर वन NOS IDs कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द प्रिंट सेक्शन अवेलेबल, उसने लिखा हुआ है कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने देखना ये है कि इसका जो मैसेज क्या है, डियर लर्नर योर एडमिशन इज वेरीफाइड सून इट विल बी कंफर्म, ठीक है ना। ये कब का मैसेज है, जिसकी सैटरडे सितंबर 30 का मैसेज है, ठीक है। आज 1st of October है, ठीक है जी, कल इसकी जो एडमिशन वेरीफाई हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद का मैसेज है, ये टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, कल दोपहर का टाइम दिया हुआ है। तो अब इसकी एडमिशन जो है कन्फर्म होने जा रही है। कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे जो नोटिफिकेशन ना, मैंने बहुत बार बोला उसको, नोटिफिकेशन में आपको कोई ना कोई मैसेज आया होगा, वहां पे मैसेज बहुत सारे आते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, या आपका एड्रेस प्रूफ या कॉरेस्पॉन्डिंग या परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, वो मैच नहीं कर रहा, उसके लिए आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे एरर होते हैं, ठीक है, तो वो आपने रिमूव करवाने होते हैं, ठीक है। वैसे यदि आपका ऐसा कोई भी मैसेज है जो आपकी एडमिशन कन्फर्म नहीं हो पा रही, तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट करते भी हैं, ठीक है, उनको हम सोल्यूशन भी बताते हैं, ठीक है ना। कुछ होते हैं जो सोल्यूशन होते हैं वो अपने आप भी कर सकते हैं, कुछ एडमिशन जो है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, तो उनको जो है पेड सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जो पेड सर्विसेज की बात आती है तो वो स्किप कर जाते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका काम हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ सर्विसेज जो पेड होती हैं उसमें होता क्या है कि हमारा भी कुछ काम होता है, ठीक है, उसके पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी एडमिशन वैसे ही कन्फर्म हो जाएगी तो आपकी मर्जी है, यदि आपको लगता है कि आपकी एडमिशन कन्फर्म नहीं हो पाएगी तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है, नॉमिनल चार्जेस पे हम आपकी हेल्प करेंगे। तो यदि आपकी एडमिशन कन्फर्म नहीं हो पा रही, आपको NOS बोर्ड ने नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन दिया हो उसमें कुछ टाइम होता है, ऐसे नहीं होता कि आपने 2 महीने 3 महीने तक आपने वो एरर रिमूव नहीं किया तो आपकी एडमिशन तब जाके वेरीफाइड जो है वो कन्फर्म हो गई, ठीक है ना। होता क्या है कि स्टूडेंट सोचते सोचते टाइम निकाल देते हैं तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है, बहुत सारे रीजन होते हैं कि आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। यदि किसी स्टूडेंट की कोई भी एडमिशन पेंडिंग है या कन्फर्म नहीं हो पा रही तो वो जल्दी से जल्दी उसको कन्फर्म करने के लिए एफर्ट करें या हमारी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है ना, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अब इसकी एडमिशन कन्फर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स की, कब तक हो जाएगी, ठीक है ना। जब SN की मंडे छुट्टी है 2 अक्टूबर की, उसके बाद 3 अक्टूबर को कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको 2-3 या 4 तारीख को इसकी एडमिशन कन्फर्म हो जाएगी तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि इस स्टूडेंट्स की एडमिशन कन्फर्म हो गई है। कि कई स्टूडेंट्स को ये विश्वास नहीं होता कि ये सर जो एडमिशन दिखा रहे हैं, ठीक है ना, वो शायद फेक एडमिशन्स है। तो आपने अभी देख लिया कि जो राधे श्याम स्टूडेंट्स है उसकी एडमिशन पे स्टेटस क्या शो हो रहा है, ठीक है, तो आपने उसका नोटिफिकेशन भी देख लिया। अब इसकी जब एडमिशन कन्फर्म होगी, 3 तारीख को होगी, 4 को होगी, 5 को होगी, मैं आपको शो करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप जे स्टूडेंट की एडमिशन कन्फर्म हो गई है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एडमिशन हमारे पास होती हैं जो हम ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी हमने एडमिशन ऑनलाइन की है वो कोई भी एडमिशन पे कोई भी एरर जो है वो नहीं आया है, मीन्स सभी एडमिशन जो है 100% एडमिशन कन्फर्म हुई है, ठीक है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब के द्वारा भी हमारे पास आते हैं, उनकी भी हमने एडमिशन्स जो है जो उनकी करेक्शन थी या उनकी जो कॉम्प्लिकेशन थी उसको दूर करके वो भी एडमिशन्स कन्फर्म करवाई हैं, ठीक है ना। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यदि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है या एडमिशन के रिगार्डिंग है या आपका कन्फर्म एडमिशन नहीं हो रही उसका कोई एरर है तो आप बेझिझक हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें, ठीक है, इधर उधर मत भागें। क्योंकि कुछ अकेडमी वाले होते हैं जिसके द्वारा आपने एडमिशन करवाई होती है वो आपकी एडमिशन को थोरली स्टडी करके ऑनलाइन नहीं करते। प्रॉब्लम यहाँ पे ही होती है कि आपने जब एडमिशन की है यदि आप उस समय ही इस एडमिशन के डॉक्यूमेंट को थोरली स्टडी करके आपकी एडमिशन को ऑनलाइन करें
तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ठीक है, या कुछ स्टूडेंट्स यूट्यूब पे ही वीडियो देख देख के अपनी एडमिशन को ऑनलाइन कर देते हैं। होता क्या है कि आपका एक साल खराब हो जाएगा, जो आपने पैसे एनएस बोर्ड को पे किए हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, तो आपको वो पैसे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, मेन तो यही है कि आपका एक साल जो है आप खराब हो जाएगा, आप एक साल पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें, ये आपके कैरियर का सवाल है। जब भी आपने एनएस बोर्ड में एडमिशन लेनी है तो आप एनएस बोर्ड की जो भी गाइडलाइंस है उसको प्रॉपर वे से स्टडी करके एडमिशन को ऑनलाइन करें। ठीक है, ये आपके भविष्य का सवाल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा जब राधेश्याम की एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, मैंने बोला आपको कि नेक्स्ट वीक जब भी उसकी एडमिशन कंफर्म होगी, जब इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा तब आप देख लेना। ठीक है, इस वीडियो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करो। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।